हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये डीआई का पार्ट टू है बच्चों। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट वन में हम लोग डीआई क्या होता है समझे थे और कितने टाइप के डीआई हमारे एग्जाम में आते हैं और किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म होते वो चीज़ हम लोग समझे थे। और उसमें से पहला जो टाइप था टेबुलेशन, उसको हम लोग समझे थे और उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज के सेशन में टेबुलेशन पर बेस्ड जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पार्ट वन मिस कर दिए हैं तो उसके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इजीली जाके पार्ट वन को देख सकते हैं। जब पार्ट वन देख लेंगे बच्चों तो आपको टेबुलेशन का आइडिया लग जाएगा और उसी पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इजीली समझ पाओगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारी टॉपिक ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं बच्चों, जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, सिलॉक्स हो गया। इन सब सारे टॉपिक का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं। और जो टॉपिक मैं कंप्लीट कर देता हूं उनका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, तो उन सारे टॉपिक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजीली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और उन सारे फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर वन जो लिया हूं मैं गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। गेट 2014 में आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, बहुत लोगों ने इसका सही आंसर निकाल के कमेंट करके बताया था कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बहुत लोगों ने सही निकाला है। देखो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले देखो ये जो एक टेबल फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है टेबुलेशन फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, मतलब डीआई का ये टेबुलेशन फॉर्म है। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं डेटा क्या क्या दिया हुआ है। 300 लोग हैं जो कि जिनके पास व्हीकल है और व्हीकल नहीं है। देखो एक सर्वे होता है 300 लोगों का, जिन सर्वे में यह पता किया जाता है किसके पास खुद का व्हीकल है और किसके पास खुद का व्हीकल नहीं है। यहां पर नेट नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर नॉट होगा, ठीक है, नॉट है। अब आगे बोला गया इफ यस, अगर है, अगर किसी के पास व्हीकल है खुद का, तो उसको फर्दर पूछा जा रहा है कि उनके पास कार है या फिर स्कूटर या फिर दोनों है। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि एक सर्वे होता है 300 लोगों का, उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई आपकी खुद की व्हीकल है, अगर व्हीकल है तो फर्दर पूछा जाता है कि उनके पास स्कूटर है कि कार है कि दोनों के दोनों है, ठीक है। अब उसके बाद उनका उनका जो रिस्पॉन्स रहता है उसको एक टेबुलेशन फॉर्म में आपको दिया गया, टेबुलेट करके दिया गया, ये नीचे जो बना हुआ है टेबल। अब आपसे पूछा गया है कितने ऐसे लोग हैं जो सर्वे में है जिनके पास खुद का स्कूटर नहीं है। ये याद रखना कि पूछा क्या, खुद का स्कूटर नहीं है। अब हम लोग टेबल को देखते हैं और समझते हैं बच्चों। तो मैं बता चुका हूं टेबल में रो होता है और कॉलम होता है। अब ध्यान से देखना, यहां पे 2 कॉलम है, एक मेन का है एक वुमेन का है, ठीक है। रो यहां पे 2 है, 2 रो है, एक है जिनके पास खुद का गाड़ी है और दूसरा है जिनके पास खुद का गाड़ी नहीं है। अब जिनके पास खुद का गाड़ी है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कार वाले हैं उसमें से कुछ लोग होंगे जिनके पास केवल कार होगा, कुछ लोग होंगे जिनके पास केवल स्कूटर होगा, और कुछ लोग होंगे जिनके पास दोनों के दोनों दिया हुआ है। अब जो लोग हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे दिया गया कि टोटल 300 है, टोटल 300 लोगों का सर्वे हुआ है। अब उसमें से कुछ ये, मतलब ये हो गया कि इन सारे का, ये सारे जो डेटा दिया इनका सम करोगे तो 300 आएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि सर्वे 300 लोगों पे ही हुआ है। अब पूछा गया कितने लोग हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है, तो अब आपको इन डेटा को हिसाब से आपको देखना होगा कि अब यहाँ पे मेल फीमेल नहीं लिया है, तो इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों का आपको काउंट करना है, सिंपल सी बात है। अब आपको वो डेटा देखना है जिनके पास स्कूटर नहीं है। अब देखो फर्स्ट वाले रो को देखो, फर्स्ट वाले रो में ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल कार है, तो इसका मतलब इनके पास स्कूटर नहीं होगा, स्कूटर नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला जो रो है, मतलब 40 और 34 ये हमको लेना है। ये ऐसे लोग हैं, 40 ऐसे मैन है और 34 ऐसी वुमन है जिनके पास खुद का कार है, स्कूटर नहीं है, और हमको यही पता करना है कि कितने लोग हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है। तो ये 2 लोग हैं, जिन 2 ग्रुप है जिसमें स्कूटर नहीं है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि स्कूटर वाले हैं, तो स्कूटर जिनके पास है उसको तो हमको काउंट करना नहीं, यानी कि सेकेंड वाला रो जो है हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, इसको हमको नहीं लेना है। आगे देखते हैं बोथ का मतलब क्या हो गया। बोथ का मतलब हो गया बच्चों कि ऐसे लोग जिनके पास कार और स्कूटर दोनों है, तो इनके पास स्कूटर हो गया, ये हमको लेना नहीं, हमको ऐसे लोग लेना था जिनके पास स्कूटर नहीं है। अब कुछ लोग हैं लास्ट वाले रो में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ही कार है ना ही स्कूटर है, इसका मतलब ये हमको काउंट करना है, क्योंकि हमको पता करना है कि जिनके पास स्कूटर नहीं है, यानी कि 20 भी इंपॉर्टेंट है और 50 भी इंपॉर्टेंट है, यानी ये टोटल 4 लोग हैं, 4 ग्रुप है जिनके पास खुद का स्कूटर नहीं है। अब क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। जब इनका सम करेंगे बच्चों तो देखो 40 और 20 60 60 और 60 और 34 94 94 और 50
144, तो ये हो गया 144 ऐसे लोग हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि जिनके पास स्कूटर नहीं हो टोटल के कितने परसेंट है, यानी कि टोटल के कितने परसेंट ये आपको निकालना है। तो इसको आपको निकालना है कि 144 300 का कितना परसेंट है, यही आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने का तरीका आपके बहुत सारे हो सकते हैं। जो लोग फार्मूला से सॉल्व करते हैं वो सीधे बोलेंगे कि 144 300 का कितना है, तो आप क्या करोगे 144 डिवाइडेड बाई 300 करोगे, इनटू 100 कर दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 00, ये हो जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, यानी आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 48%। ये जो है कि करेक्ट आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 48%। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी आप अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो फिर पढ़ाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। ये वो लोग सॉल्व करते हैं जिनके पास, जिनको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनका कैलकुलेशन वीक होता है, वो ऐसे सॉल्व करते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना था, आपको खुद ऐसे सोचना था कि टोटल 300 है, 300 का 144 कितना परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। अगर ये 150 होता तो 50% होता, 50% होता कि नहीं होता, 300 टोटल 100% है तो 150 कितना होता, 50% होता। लेकिन कितना कम है, अभी 6 कम है, 6 कम का मतलब क्या हो गया कि इसका 1% की वैल्यू 3 है, तो 6 कितना होगा 2% होगा, यानी कि इसमें से 6 घटाओगे तो यहाँ से क्या होगा 2% घट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 144 और यहाँ कितना आ जाएगा 48%। तो आपको ऐसे सोचना था, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं था। आपको पता है कि अगर 150 होता तो 50% होता, सिंपल सी बात है, यानी 6 कम है, 6 कितना परसेंट है, 50% घटा देंगे तो 1 क्या है, 3 कितना है, 1% है, तो 6 कितना होगा, 2% होगा, यानी कि डायरेक्ट हम बोलेंगे 48% इसका आंसर हो जाएगा। बिना पेपर वर्क किए आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्लियर है ये बात, ये बात को ध्यान रखेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आ गया आंसर 48। और मैं बता चुका हूं बच्चों कि देखो डीआई में जो क्वेश्चन बनते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है बेसिक लेवल में क्वेश्चन, एक होता है मीडियम लेवल में और एक होता है हाई लेवल में। हम लोग के एग्जाम में केवल बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या ऐसा इंपॉर्टेंट था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, बस आपको डेटा को देखना था और सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करना था। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि 95% क्वेश्चन में केवल परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है, केवल 5% ऐसा क्वेश्चन होते हैं जिनमें एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट की बात किया जाता है, ठीक है। बाकी 95% क्वेश्चन में केवल परसेंटेज कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। परसेंटेज कैलकुलेशन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो ये बात आपने दिमाग से निकाल देना कि आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आपके बेसिक लेवल से क्वेश्चन आते हैं, या फिर बहुत होगा तो मीडियम लेवल क्वेश्चन आएंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। हाई लेवल के एग्जाम जो हाई लेवल के जो डी आई होती है वो बच्चों कैट के एग्जाम में आती है, बैंकिंग के एग्जाम में आती है, एसएससी के एग्जाम में आती है, आपके एग्जाम में इतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन बच्चों गेट के प्रीवियस ईयर से लिया हूं मैं, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, एक काम करो सबसे पहले वीडियो को रोक दो और खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन आप देखना, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग ईमानदारी से वीडियो को रोक के सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक टेबल में डेटा दिया हुआ है और वो जो डेटा है बच्चों मंथली बजट है एक हाउस होल्ड का, एवरेज हाउस होल्ड का, मतलब एक हाउस होल्ड है उसका मंथली बजट का टेबल दिया हुआ है और आपसे पूछा है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। ध्यान रखना क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट पूछ दिया गया है, इसका मतलब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको अप्रॉक्स करोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप है मंथली बजट नॉट स्पेंट ऑन सेविंग, तो कितना परसेंट उसका मंथली बजट है जो कि वो सेविंग पे स्पेंड नहीं करता है, मतलब कि आपको सिंपल सा बात है सेविंग के अलावा जितना आपका बचेगा उस वो टोटल का कितना परसेंट ये आपको निकालना है, ये आपसे सिंपल सा पूछा गया है, मतलब सेविंग को छोड़ के बाकी कितना परसेंट ये आपको निकालना है। यहाँ पे टोटल उसका इनकम निकालना है बच्चों, तो देखो फूड पे कुछ खर्चा करता है वो, क्लॉथिंग पे करता है, रेंट पे करता है, सेविंग पे करता है और अदर एक्सपेंसेस पे। हमको उसकी टोटल सैलरी निकालना है बच्चों, तो टोटल सैलरी क्या निकालना है, इन सारे का सम करना पड़ेगा, इन सारे का सम करोगे, सम करके निकालना आपको, तो देखो 4000, ये देखो ऐड करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि पहले इन दोनों को ऐड करो तो 6000 हो गया, ध्यान से समझना, और इन दोनों को जब ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3000, तो ये टोटल हो जाएगा 9000 और ये 1500, मतलब कितना हो गया 10500 रुपीज उसका टोटल ये इनकम हो गया मंथली का, टोटल इतना पैसा वो कमा रहा है। अब ध्यान रखना, अब सेविंग उसमें कितना करता है बच्चों, सेविंग उसका 1500 है, तो सेविंग के बाद का निकालना है, यानी कितने लोग बोलेंगे सेविंग के अलावा निकालना होगा तो 10500 में से हमको घटाना होगा 1500,
क्योंकि 1500 क्या कर रहा है, सेव कर रहा था, सेव करने के अलावा टोटल निकालना है हमको, तो इस 1500 घटाएंगे तो 9000 हो जाएगा। अब आपसे सिंपल सा पूछा गया कि 9000 10500 का कितना परसेंट, यही आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो कितने लोग बोलेंगे कि 9000 10500 का कितना परसेंट निकालना है, तो 9000 10500 सोचो, आप खुद सोचो कि अगर ये 10000 उसकी सैलरी होती तो 9000 कितना होता, 90% होता है, यानी कि आंसर 90% से थोड़ा सा कम आने वाला है, ठीक है। तो 10% तो कभी आंसर होगा नहीं, 14% का भी आंसर होगा नहीं, 81% तो बहुत कम हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आप टिक करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे कि 10500 का 9000 कितना है, यही आपको कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखो सेविंग के अलावा, सेविंग केवल 1500 कर रहा है, ये टोटल उसकी सैलरी 10500 आ रही है जिसमें सेविंग वो केवल 1500 कर रहा है, तो इसका मतलब इतना स्पेंड कर रहा है बाकी चीजों पर, यही निकालना है कि टोटल सैलरी का कितना परसेंट वो स्पेंड कर रहा है, यही आपको करना है। आपको तो 9000 10500 कितना है, तो खुद सोचो कि 10000 होता तो 9000 इसका कितना होता, 90% के बराबर होता, लेकिन 10000 से ज्यादा है तो इसकी 90% से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, तो 10% कभी होगा नहीं, 14% को कभी होगा नहीं, 81% कुछ होगा नहीं, यानी बचा कौन सा, डी आपका टिक करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ध्यान रखेंगे। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते तो कैसे निकालोगे कि 9000 10500 कितना है, तब क्या करोगे, 9000 डिवाइडेड बाई 10500 इंटू 100 कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके देखोगे आपको बच्चों तो 86 point something आंसर आता है, मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट टिक करना था, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। जिनको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आया है आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। तो बच्चों मेरा यही कहने का मतलब है कि जो आपके मन में डीआई को लेकर डर है उसको बाहर निकाल दो, डीआई के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। देखो ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान है। हाँ मैं एक चीज़ बोला हूँ बच्चों कि डीआई के क्वेश्चन में कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगर जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, परसेंटेज कैलकुलेशन फास्ट है, वो डीआई के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेगा। देखो आपके सामने क्या है, इसमें एडिशन आपको आना चाहिए, पहले एडिशन जितना जल्दी कर लो उसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने आना चाहिए, दो ही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो एकदम क्वेश्चन ईजी था, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बच्चों गेट 2019 में आया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब ये लोग पेपर देकर आए थे स्टूडेंट, तो मैंने उनसे फीडबैक लिया था, तो बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने स्किप कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों डीआई में क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही आते हैं, बस आपको दो ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपका परसेंटेज कितना स्ट्रांग है और कैलकुलेशन कितना फास्ट है, वही दो चीज़ें आपको डिसाइड करेंगे कि आप क्वेश्चन बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। लेकिन मैं 95% स्टूडेंट इसको स्किप कर दिए थे, क्योंकि उनको बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, उनको लगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले वीडियो को रोक दो और खुद से एक बार पढ़ो क्वेश्चन को और समझो क्या दिया हुआ है, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट समझना कि इसको कैसे हैंडल करना है कम से कम टाइम में। तो जो लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे ईमानदारी से वीडियो को रोक के, उनको पता चला होगा कि एक मोला कंपनी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टैक्सी प्रोवाइड करती है सिटीज में। ओला मतलब जी, बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया ओला से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया होगा ओला के आगे एम लगा दिया तो मोला हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, 3 type का राइड आपको देता है, पहला देता है पूल, दूसरा मिनी और तीसरा प्राइम, तो 3 type का राइड देता है ये, ठीक है, पूल मिनी और प्राइम। अब आगे बोला गया है कि ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट 4 month का बुकिंग, ठीक है, तो पास्ट 4 month का बुकिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्लेटफॉर्म अर्न्स $1 पर राइड, देखो प्लेटफॉर्म क्या करता है, उसकी अर्निंग है $1 पर राइड, एक राइड का उसको $1 मिलता है। अब बात बच्चों ध्यान से समझना कि यहाँ पे 3 type का सर्विस दे रहा है, पूल दे रहा है, मिनी दे रहा है, प्राइम दे रहा है, लेकिन सब लोगों को ही $1 मिल रहा है, चाहे पूल का लो, चाहे मिनी का लो, चाहे प्राइम का लो, तो सबके लिए $1 trip का $1 मिल रहा है, याद रखो $1 ride का $1 मिल रहा है, तीनों का अलग अलग प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान, तीनों का सेम दिया है। व्हाट इज परसेंटेज शेयर ऑफ रिवेन्यू कंट्रीब्यूटेड बाई प्राइम, तो आपसे ये पूछा गया कि इन तीनों में जो प्राइम है बच्चों वो टोटल रिवेन्यू का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल जो कंपनी के पास रिवेन्यू आएगी बच्चों 3 type की आएगी, पूल के द्वारा आएगी, मिनी के द्वारा आएगा और प्राइम के द्वारा आएगा, इन तीनों का जो सम करेंगे टोटल रिवेन्यू आएगी। अब टोटल का प्राइम कितना परसेंट शेयर कर रहा है, यही आपसे पूछा गया है। अब देखो, अब टेबल को देखो ध्यान से, तो टेबल में मंथ दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का उनका डेटा दिया हुआ है। मतलब ये बच्चों अगर हम लोग पूल की बात करें तो पूल जो है जनवरी में 170 लोग उसको बुक करते हैं,
फरवरी में कितने लोग करते हैं 320 लोग, मार्च में कितना करते हैं 215 लोग, अप्रैल में कितना करते हैं 190 लोग। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि पूल को पिछले चार महीने में कितने बार उसको बुक किया गया है तो इन सारे का सम कर दोगे, उसी तरह मिनी का पूछा जाएगा तो इन चारों का सम कर दोगे, उसी तरह प्राइम का पूछा जाएगा इन चारों का सम कर दोगे। अब देखो अगर हम लोग पूल की बात करें तो पूल के लिए क्या करोगे, इन चारों का सम करोगे। चारों का सम करने का तरीका ध्यान से समझना बच्चों। देखो एक तो डायरेक्ट आप इसको ऐड कर सकते हो, इजी नंबर है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि नंबर को ऐड कैसे करना है इजीली। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 170, 320, 215 और ये 190, इसको ऐड करना तो कैसे ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड करने का एक हम लोग सिंपल सा कैसे ऐड करते हैं बच्चों, इधर से देखते हैं, इधर 5 हो गया, फिर इनको सम करते हैं तो ये 19 के 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5, 6, 7, 8, तो ये 895 आ जाएगा। अगर हम लोग नॉर्मली ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं, तो ये 895 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसे कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा, वैसे ये डेटा इजी था तो ऐसे कैलकुलेट हो गया। आपको कैलकुलेट करने का एक तरीका सिखाता हूँ बच्चों, दो तरीका सिखाता हूँ, ठीक है, ये दोनों यूजफुल होगा, ध्यान रखेंगे। अगर इसको सीख गए आप तो क्वेश्चन में आप क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो ऐड करने का तरीका, देखो जब भी 170, 320 और 215 ऐसे दिया हुआ आपको ऐड करना है तो ध्यान रखो बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछूं कि जब आप छोटे थे तो टेबल सबसे पहले किसका याद किए थे आप, तो आप बोलोगे सर 2 का टेबल सबसे पहले याद हुआ होगा क्योंकि 2, 4, 6 और 2, 2 उसमें ऐड करते जाते थे। फिर 5 का टेबल बहुत इजीली याद कर लियोगे, 5, 10, 15, 20। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ 10 का भी टेबल बहुत इजीली याद कर लियोगे, 10, 20, 30, 40। क्यों ऐसे याद हो गया, क्योंकि 10 में 10 ऐड करते जा रहे थे, ठीक है। उसी तरह 11 का भी याद करना आसान था, 11 में भी सिमेट्री, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, क्योंकि उसमें भी सिमेट्रिसिटी था तो उसको भी हम लोग याद कर ले रहे थे। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि 15, तो 15 का भी निकालना आसान था, याद करना आसान था। फिर 20 का याद करना आसान था। तीन सब का टेबल सबसे पहले इसीलिए याद हुआ था क्योंकि इसमें सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिसिटी है। और ऐड करना, जब कोई नंबर 10 का मल्टीपल के फॉर्म में रहता है तो उसको ऐड करना बहुत आसान होता है, कोई नंबर 100 के मल्टीपल में रहता है तो उसको ऐड करना बहुत आसान होता है। तो देखो जब भी कुछ नंबर को ऐड करना होगा बच्चों, तो इसको जब नंबर अगर 100 से ज़्यादा है तो 100 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करना, अगर नंबर 100 से कम है तो उसको 100 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करना, अगर नंबर सिंगल डिजिट में है तो उसको 10 का मल्टीपल में बनाने की कोशिश करना, अगर नंबर 2 डिजिट में तो 100 का, नंबर 3 डिजिट में है तो 100 का मल्टीपल के बनाने का कोशिश करना। जैसे एग्जांपल देखो, अब खुद सोचो कि ये 170 है, इसको 30 और मिल जाएगा कहीं से तो ये 200 बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बना लेगा कि नहीं बना लेगा। और यहाँ पे 20 ज्यादा है, ध्यान रखना यहाँ पे 20 ज्यादा है, तो अगर 20 इससे ले ले तो ये 300 बना देगा कि नहीं बना देगा। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे 30 की जरूरत है तो ये 200 बनाएगा और 20 यहाँ पे ज्यादा है तो। और अब एक और चीज सोचना, और यहाँ पे देखे तीसरे वाले को तो 215, यहाँ पे 15 ज्यादा है, अगर 15 इससे ले लिया जाए तो क्या होगा, ये 200 बन जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ से 20 ले लो तो इसको 20 दे देंगे तो 190 हो जाएगा, और यहाँ से 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये अब 200 दिखने लगेगा हमको, ये 300 दिखने लगेगा और ये 200 दिखने लगेगा, लेकिन अभी 5 ज्यादा है, 5 बचा हुआ है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको 195 हम कर लेंगे। अब इसको ऐड करना आसान होगा, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 100 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाया, तो 100 का मल्टीपल बनाने के मतलब जिसको इसको 200 बनाया जा सकता है, इसको 300, इसको 200, तो 200 बनाने के लिए 15 देगा, ये 20 देगा और ये इसको 30 चाहिए, तो हमने ऐसे करके अरेंज कर लिया। तो जब भी नंबर एडिशन है तो अरेंज करके 10 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करो। अब इस नंबर को ऐड करना कितना आसान है, 5, 7, 700 और ये हो जाएगा 895। तो ऐसे आप अगर ऐड करते हो तो आप इजीली ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी ऐड करना हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप माइंड में भी सोच सकते हो कि 200 मान लेंगे, इसको 300 मान लेंगे, इसको 200 मान लेंगे, लेकिन 5 अभी भी ज़्यादा होगा तो 5 यहाँ पर देंगे तो 195 हो जाएगा। तो ऐसे ऐड करना है, ठीक है। मेथड नंबर 2 सीखो कि कैसे ऐड करना है। तो मेथड नंबर 2 को कैसे ऐड करना बच्चों, देखो हमारे पास 170 है, ये 320 है और 215 है और ये 190। ये मेथड नंबर जो 2 है बच्चों, ऑप्शन दिया रहता तो बहुत जल्दी काम करता है, ऑप्शन रहेगा तो ये बहुत काम करेगा अच्छे से। देखो कैसे, कितने लोग बोलेंगे कि सर हम देखो इसको हम लोग जब भी हम लोग इधर से ऐड करते हैं यूनिट डिजिट की तरफ से, लेकिन अभी जब आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है तो आपको 100 डिजिट मतलब इधर से आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से ऐड करोगे तो खुद सोचो ये 100 है, ये 300 है, ये 100 प्लस है, ये 300 प्लस है, 200 प्लस है, 100 प्लस है। तो कितने लोग बोलेंगे कि 3, 2, 5, 6, 7, जो भी आंसर आएगा 700 से ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन आप देखोगे कि 700 से ज़्यादा कौन सा आंसर दिया है,
वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लो तीन ऑप्शन 700 से कम दिया है तो आप चौथा आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। या फिर मान लो दो ऑप्शन 700 से ज्यादा दिया, दो ऑप्शन 700 से कम दिया, तो दो ऑप्शन तो रिड्यूस हो जाएगा। अगर फर्दर दो ऑप्शन को रिड्यूस करना है तब क्या करोगे बच्चों, तो फर्दर रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 90 है, तो कितने लोग बोलेंगे फिर 100 बना होगा, तो जो भी आंसर होगा 800 से ज्यादा आएगा। तो आप ऐसे एक अप्रॉक्स कैलकुलेट करके आप टिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो इन दोनों मेथड को ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करना है और अप्रॉक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो देखो इनको जब ऐड किया गया, इन तीन इन चारों को जब आपस में ऐड किया गया बच्चों, तो हमारा आ गया 895, यानी कि 895 टाइम्स क्या किया गया, पूल को बुक किया गया। मिनी की बात करते हैं, तो मिनी को ऐड करने का ध्यान देना। कितने लोग बोलेंगे सर अगर इन दोनों को हम लोग बात करें आपस में, तो यहाँ पे 20 ज्यादा यहाँ 20 कम है, तो कितने लोग बोलेंगे दोनों मिलकर 400 बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, 400 बना लिए। अब 400 बना लिए, ये 500 हो जाएगा 10, और 70 ऐड करेंगे तो 580 आ जाएगा। तो देखो ऐसे अगर ऐड करोगे तो कितना आसान हो जाएगा। देखो बच्चों ये डेटा मैंने खुद से नहीं लिया, कि ये मत सोचना कि ये डेटा आसान था तो ऐड करना आपने सिखा दिया, नहीं बच्चों। कोई भी डेटा रहेगा तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखो ये डेटा ये एग्जाम में आया हुआ कोई डेटा है, तो इसको ऐड करने का तरीका आपको जल्दी कैसे ऐड करना, तो आपको तुरंत 400 दिखना चाहिए। ये 510 हो जाएगा, ये 70 क्या हो जाएगा, 580 हो जाएगा, आपको ऐसे सोचना चाहिए। अब जैसे इसको ऐड करना, तो कितने लोग बोलेंगे इन दोनों को हम देखेंगे सर तो ये कितना बना रहा, खुद सोचो कितना बना रहा है। ये दोनों मिलकर 300 बना रहा है, जब 300 बना रहा है 300 ये 90 हो जाएगा, और इसको 10 और जरूरत पड़ेगा तो 400 हो जाएगा, तो 465 हो जाएगा यहां से, तो ये 465 आ जाएगा, ये आपका राइट आ गया। यानी कि पूल को टोटल 4 महीने में 895 टाइम्स बुक किया गया है, मिनी को 580 टाइम्स किया गया है, और प्राइम को 465 टाइम्स बुक किया गया है। अब खुद सोचो बच्चों कि इनमें से सबसे ज्यादा बुक किसको किया गया है, पूल को, उसके बाद मिनी को, उसके बाद सबसे कम किसको किया है, प्राइम को बुक किया गया, सबसे कम प्राइम को बुक किया गया है। अब खुद सोचो कि तीनों का कंट्रीब्यूशन, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो बोला है कि सब कोई भी पूल बुक करो, मिनी बुक करो, प्राइम बुक करो, सबके लिए एक एक डॉलर पर राइड मिल रहा है कंपनी को, तो कंपनी पूल से कितना कमाई होगी, $895, मिनी से कितना कमाई होगी, $580, प्राइम से कितना कमाई होगी, $465, ठीक है। तो ये टोटल उसका इनकम हो जाएगा, और टोटल इनकम में से प्राइम कितना शेयर कर रहा है वो आपको बताना है। तो टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट करेगी कंपनी, तो आप तीनों को क्या करोगे, सम कर दोगे, क्योंकि पूल के कारण $895 आ रहा है, मिनी के कारण $580 आ रहा है, प्राइम के कारण $465 आ रहा है, तो तीनों का ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 895 प्लस 580 प्लस 465, में यहाँ क्लियर लिख दिया, वहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा था। अब इनको ऐड करने का तरीका आपको बता चुका हूँ बच्चों, इसको प्लस 5 करोगे तो 900 बन गया, तो इसको मान लो कि 900 है, ठीक है, 5 दे दिए, जब इसका 5 दे दिए बच्चों इसको, अब इसको 20 और देना है, 20 इसको दोगे तो 600 हो जाएगा, तो 20 दे दिए, यानी कि 25 यहां से निकल गया। जब यहां से 25 निकल गया बच्चों, तो यहां से कितना हो जाएगा, 25 निकाल दोगे इसमें से तो कितना आएगा, 440 आ जाएगा बच्चों। अब इनको सम करना देखो कितना आसान है, तो इसको आसान कितना है, 04 और ये कितना 10 और ये 19, तो 1940 आ जाएगा टोटल रिवेन्यू, उसके बाद इतना डॉलर मिल रहा है। अब प्राइम के कारण कितना मिल रहा है बच्चों, तो $465 मिल रहा है, आपको बताना है कि $465 इसका कितना परसेंट, यही कैलकुलेट करके बताना है। अब आपको बस ये कैलकुलेट करना है 465 1940 का मतलब कि 1940 का 465 कितना परसेंट है, अगर ये आप निकालिए तो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करो फिर, या एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, आपकी मर्जी है, अप्रॉक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है। कितने लोग बोलेंगे सर ये नियरली 2000 के आसपास है, तो इसको 2000 मान लेते हैं, इसको 2000 मान लेते हैं, और ये कितने लोग बोलेंगे कि नियरली 500 के आसपास मान सकते हैं इसको, अप्रॉक्स 500, अगर ये 500 ये 2000 है, तो 2000 का 500 कितना होता है, 25% होता है, लेकिन ये 25% से कम आएगा क्योंकि ये 500 से कम है, तो जो भी आंसर आएगा 25% से कम आएगा, ठीक है। तो कितने लोग बोलेंगे डी आंसर तो कभी हो नहीं सकता सर, सी कभी हो नहीं सकता, और ए 16% है, तो 25% से कम का मतलब 16% 10% का गैप थोड़ी हो जाएगा, इसका मतलब ए नहीं होगा, यानी बचा कौन सा, तो बी आपका आंसर बचेगा, बी आप टिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे, यही बी आपका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को एग्जैक्ट निकालना वो क्या करेंगे बच्चों, 465 इसका कितना परसेंट है, तो क्या करोगे 465 डिवाइडेड बाई 1940 करोगे, इनटू 100 कर दोगे, तो ये जब सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग कैलकुलेटर से यूज करते हैं गेट के एग्जाम में, जो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, मैं लिख के दे रहा हूं कि 4 to 5 मिनट लगेगा जो लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब वो पहले तो क्वेश्चन पढ़ने के समझने में 1 मिनट लगेगा, और इनको कैलकुलेटर में पुट करना बहुत टफ होता है, 170 फिर प्लस को दबाओगे फिर 20 करोगे, तो जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है उसमें कैलकुलेट करने में टाइम लगता है बच्चों, तो मान के चलो अगर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होगा तो 3 to 4 मिनट में सॉल्व करेगा, लेकिन जिसको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करने आता है बच्चों, उसके लिए मुझे लगता है कि 1 मिनट बहुत मैक्सिमम हो जाएगा, 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो कम से कम टाइम में इसको एग्जाम में आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उसमें थोड़ा और कैलकुलेशन है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों गेट 2016 में पूछा गया, 2 मार्क्स का सिविल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पूछा गया। बच्चों आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दो दो ब्रांच में एक ही क्वेश्चन कैसे आ गया। तो इसके पीछे का लॉजिक ये बच्चों कि गेट का पेपर एक दिन में 2 सेशन में होता है, एक मॉर्निंग सेशन होता है, एक आफ्टरनून सेशन होता है। तो मॉर्निंग सेशन में जिस ब्रांच का पेपर होगा उन सब में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये हो गया कि गेट 2016 का जब पेपर हुआ था उस समय कंप्यूटर साइंस और सिविल का सेम सेशन में पेपर हुआ था। मतलब अगर ये मॉर्निंग में हुआ होगा तो मॉर्निंग में हुआ होगा दोनों, और आफ्टरनून में हुआ होगा तो आफ्टरनून में हुआ होगा, दोनों सेम डेट के सेम सेशन में होगा, तभी दोनों में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर ये बात। अब इस एक काम करना आपको, इस वीडियो को यहीं पे रोक दो और क्वेश्चन को खुद से पढ़ो। और ये जब खुद से क्वेश्चन को पढ़ोगे बच्चों तो आपके मन में यही आएगा कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इसको स्किप कर देंगे। और मैं बता रहा हूँ बच्चों, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो 99.9% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव है। और ये आपको भी लगेगा कि कैलकुलेटिव है, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े थे, कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आए थे, क्योंकि जो मेरे से सॉल्व जो आप लोगों को मैं अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन सिखाता हूँ वो बहुत ही यूजफुल है। अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशन से 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। सबसे पहले वीडियो को रोक दो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जो लोग ईमानदारी से इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे उनके मन में एक ही ख्याल आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम स्किप ही कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो जो लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे, और कैलकुलेटर से यूज करने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम कैलकुलेटर यूज करने का कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएगा अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो, क्योंकि इतना सारा डेटा इसको पुट करते जाओगे तो आपका 8 से 10 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा। तो इतना देने से अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करो, स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा है वो स्किप इसको नहीं करेगा, वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा विथिन 1 से 2 मिनट। वो कैसे करेगा, मान लो मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 मिनट के अंदर वो इसका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम 2 मिनट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि एक सेविंग सेट कंपनी है जो 4 टाइप का डिफरेंट रेजर क्या करती है, सेल करती है, ठीक है। एक इसका नाम दिया हुआ है, दूसरा दिया, ये तीसरा दिया है, चौथा नाम दिया है, ठीक है। 4 नाम दिया हुआ है, 4 तरह का प्रोडक्ट और सर्विस देती है, ठीक है। अब सबका प्राइस अलग अलग है। इलिगेंस का प्राइस जो है 48 है, स्मूथ का 63 है, सॉफ्ट का 78 है, उसी तरह स्क्यूटी का कितना है, 173 है पर पीस दिया हुआ है प्राइस। चारों का प्राइस अलग अलग दिया हुआ है। अब आगे बोला गया टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ ईच रेजर सोल्ड इन ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर, ठीक है। किसी ईयर में, एक ईयर में 4 क्वार्टर होता है बच्चों, तो फर्स्ट क्वार्टर में इलिगेंस कितना बिका ये दिया हुआ है, स्मूथ कितना बिका ये दिया है, सॉफ्ट कितना बिका ये दिया हुआ है, सिमिलरली क्वार्टर 2 में कितना बिका ये सारा दिया हुआ है डेटा आपके सामने। तो 4 क्वार्टर का आपके सामने डेटा दिया हुआ है। अब पूछा क्या, ये देखना है विच प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन टू रिवेन्यू ऑफ द कंपनी इन द ईयर। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू कंपनी को दिया है, ये आपको निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे, अगर इलिगेंस की बात करें बच्चों तो इलिगेंस टोटल कितना सेल हुआ, इन सारे का सम करेंगे हम लोग, ये आपस में सम कर देंगे तो टोटल सेल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टोटल कितना प्रोडक्ट बिका है, और एक प्रोडक्ट का प्राइस दिया हुआ है तो उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा इलिगेंस के कारण। सिमिलरली अगर स्मूथ के कारण आपको निकालना है तो स्मूथ के कारण क्या करोगे, ये टोटल कितने प्रोडक्ट बिचे, तो क्वार्टर 1 में इतना बिचा, क्वार्टर 2 में इतना बिचा, क्वार्टर 3 में इतना बिचा, क्वार्टर 4 में इतना बिचा, इन सारे को जब आपस में ऐड कर दोगे, इसको जब सारे को आपस में ऐड करोगे बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा कि स्मूथ कितना बिका है उस ईयर में, और एक स्मूथ का प्राइस कितना है 63 है, तो टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट किया। उसी तरह चारों का निकालोगे और चारों में जो सबसे ज्यादा आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो वो कैलकुलेटर से इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहां पे कुछ आएगा, ठीक है। उसी तरह यहां जो भी आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 48 का, क्योंकि जितना प्रोडक्ट आएगा एक प्रोडक्ट 48 रुपीज का बेचा जा रहा है तो 48 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनको सम करेंगे, सम करने के बाद जो आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 रुपीज का स्मूथ बेचा जा रहा है तो 63 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। और उसी तरह सॉफ्ट को करेंगे कि तो सॉफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4, तो टोटल कितना बिका हो तो वो टोटल निकालेंगे, उसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉफ्ट के 1 का प्राइस है 78, तो यहाँ पे 78 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका निकालना, तो क्या करेंगे, सबको आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जितना आएगा, और 1 का प्राइस कितना है बच्चों, 173 है, तो यहाँ पे 173, यही सबसे महंगा है,
ये आपको निकालना है, यहाँ टोटल निकालेंगे। अब इन चारों को कंपेरिजन करेंगे, इनमें से जो ज्यादा आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका टास्क है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है। ऐड करने के बाद फिर 48 का मल्टीप्लाई करना, 63 का मल्टीप्लाई करना, 78 का मल्टीप्लाई करना, 173 का मल्टीप्लाई करना। अभी चारों में कंपेरिजन करके बताना है कि कौन सा ज्यादा आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो, आप कैलकुलेटर से ऐड तो कर सकते हो लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होगा, और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करो तो कई बार गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कैलकुलेट करने का। अब जो लोग मेरे मेथड से करेंगे वो देखो कैसे करेंगे। बच्चों ध्यान समझना, आपको चार प्रोडक्ट में कंपेरिजन करना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा बच्चों, तो मैं मुझे सिंपल सा अगर बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, अगर मुझे इलिगेंस का कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्वार्टर वन में 27,300 दिया है, क्वार्टर टू में 25,222 दिया है, क्वार्टर थ्री में 28,976 दिया हुआ है, क्वार्टर फोर में 21,012 दिया हुआ है। लेकिन मुझे अगर मुझे सॉल्व करना हो तो यहाँ पे सीधे हमको दिखेगा कि 27K है, 27,000, K का मतलब 1000, और इसको हम मैं एज्यूम करूंगा 25K, उसी तरह इसको एज्यूम करूंगा 28K, और इसको एज्यूम करूंगा 21K, ये मैं अपने से एज्यूम करूंगा। अब देखो, अब 27, 25, 28, 21 को ऐड करना बहुत आसान है, हमको इतना लिखने का जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते थे। देखो ये 27 है, दो ज़्यादा है तो दो इसको दे दो, तो ये 25, 25, 50 हो गया, 50, 30 कितना हो गया, 50, 30, 80 हो गया, 80 और 20 कितना होता है, 100। तो कितने लोग बोलेंगे 101K आ गया। बच्चों के का मतलब क्या हो गया, प्लस आएगा, यहाँ पे 101,000 बोलेंगे हम लोग, 101,000 से ज्यादा आएगा इसके एडिशन में, अप्रॉक्स कैलकुलेट करें इसलिए प्लस लिखा हूँ। सिमिलरली इसको अगर हमको ऐड करना तो यहाँ पे हमको 20K दिखेगा, यहाँ पे कितना देगा 19K दिखेगा, यहाँ 22 दिखेगा, और यहाँ पे कितना दिखेगा बच्चों 18K दिखेगा। तो जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका सिंपल सी बात है बच्चों, ये दो ज्यादा है, दो इसको देंगे तो 20-20 दोनों हो गया, अब 20-20, 40 और 60 और 60 और इसको मान सकते हैं 20 इसको भी मान लो, तो कितना हो गया 80 हो गया। तो कितने लोग बोलेंगे 80K के आसपास ये आएगा, 80K प्लस के आसपास आएगा। सिमिलरली बच्चों मुझे अगर सॉफ्ट को देखना है तो क्या करेंगे, 17 यहाँ दिखेगा, 18 दिखेगा, यहाँ 19 दिखेगा, यहाँ 16 दिखेगा। इनको ऐड करना बहुत आसान है बच्चों, इसको 1 दे दो तो ये 20 हो गया, 20 और 15 कितना होता है 35, और 35 इसको 2 दे दोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 35, 20 कितना होता है 55, 55 और 15 कितना होता है 70। तो कितने लोग बोलेंगे 70K के आसपास आएगा, 70K प्लस आएगा, मतलब ये 1000 में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, कितने लोग बोलेंगे कि सर ये हम लोग 9999 दिया, जिसको 10K मान सकते हैं, इसको कितना मान सकते हो, इसको 9K मान सकते हैं क्योंकि 9K के अप्रॉक्स है, इसको 10K मानेंगे और इसको कितना मानेंगे 10K, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 39K, ये 39K के आसपास आपका आ जाएगा यहाँ से। तो एक मेथड ये है बच्चों कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, देख लो कौन सा ज़्यादा है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो और अच्छी बात है, देखो कैसे करोगे, बिना मल्टीप्लाई किए कैसे करोगे, सोचो यहाँ 100 में 48 का मल्टीप्लाई करोगे, कंपेरिजन करो कौन सा ज़्यादा आएगा, वहाँ 100 में 48 का मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 173 में 39 का मल्टीप्लाई करोगे, तो कितने लोग बोलेंगे कि ये वाला अगर इन दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो ये वाला जो आएगा इससे ज़्यादा आएगा, कभी भी आएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई करें 39 में तो ये ज़्यादा आने वाला, मतलब ये तो कभी आंसर होगा ना, इन दोनों कंपेरिजन किए तो ये मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा आने वाला है, ये वाला तो ऑप्शन होना नहीं है, मतलब कि इलिगेंस आपका आंसर नहीं हुआ, मतलब ए ऑप्शन रिड्यूज हो गया। अब बच्चा बी सी डी इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ये आपको निकालना है, अब इनको कंपेरिजन करना है बच्चों, तो खुद सोचो कि अगर हम लोग इसको कंपेरिजन करेंगे, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप देख के तुरंत बोलोगे सर ये बहुत ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि ये 200 के आसपास मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्या है 100 से नीचे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं होने वाला है और ये भी बहुत, ये तो इससे और कम है तो ये भी नहीं होने वाला है, इसका मतलब बचा कौन सा, तो डी ही आपका आंसर होगा, और डी का मतलब डी कौन सा स्क्यूटी है, तो स्क्यूटी का मतलब बी इसका आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का बी डायरेक्ट आप टिक करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व करोगे। अगर आपको, अगर इतना करने के बाद अगर आपको अभी भी डाउट है कि नहीं अप्रॉक्सीमेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना भी आसान है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप नियरली तो कितना आ जाएगा 4800 के आसपास, 4800K के आसपास आ जाएगा, या ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 100 मान लो, इसको 80 मानोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 24 और 2 हो जाएगा 48, 50 और ये आ जाएगा, ये के आ जाएगा इतना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो ये 0 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 54K के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मान लो, इसको बच्चों ये 39 तो 40 मान लो, 40 मानोगे तो कितना हो जाएगा 12, 28 और ये 29 और 4, 5, देखो अब देखो ये, अब देखो ये 4,5920K के से ज़्यादा आएगा। इन सब में से बड़ा कौन सा आ रहा है, तो ये बड़ा आ रहा है, ये सब छोटा आ रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा।
तो आपका डी आंसर, डी का मतलब कौन सा था, इक्विटी हो गया। इक्विटी का मतलब कौन सा आंसर है, बी आंसर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ये आपका। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा याद रखना, एप्रोक्स अगर कैलकुलेशन आता है तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन स्किप करने में ही आपका भलाई है। अगर आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से सॉल्व करने जा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि इसको स्किप कर दो, क्योंकि कैलकुलेटर से मैं श्योर हूं कि 8 to 10 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, पहले इन सबको लिखोगे, ऐड करोगे, फिर लिखोगे, इनको ऐड करोगे, लिखोगे, इनको ऐड करोगे, लिखोगे, इनको ऐड करोगे, लिखोगे, फिर इसने मल्टीप्लाई करोगे, तो कैलकुलेटर से करने वाले बच्चे इसको बिल्कुल स्किप कर देंगे। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गेट के एग्जाम में आपको 100 नंबर नहीं लाना है बच्चों, आपको रिलेटिव मार्क्स लाना है। आपको इतने मार्क्स लाने हैं ताकि आप पब्लिक सेक्टर तक पहुंच जाओ, मतलब किसी PSUs में हो जाए, अगर PSU में ना हो तो किसी IIT में हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये रैंक डिसाइड करते हैं। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है उसका रैंक इंप्रूव हो जाता है। मतलब मान लो मैं एग्जांपल लूं, मैं बोलूं किसी का 100 रैंक आया ऑल इंडिया और किसी का 300 रैंक आया है, तो इन दोनों में फर्क यही होगा कि ये जो 300 वाला बच्चा है ये क्वेश्चन को स्किप कर दिएगा, उसे नहीं बन पाया होगा, लेकिन 100 रैंक वाला इस क्वेश्चन को बना लिया होगा, तो इसलिए इसका 100 रैंक आया, इसका 300 रैंक, इतने का फर्क पड़ जाएगा एक सिंपल से क्वेश्चन से। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रैंक आपका इंप्रूव होगा। और जो 100 वाला बच्चा है बच्चों, वो PSU को कन्वर्ट कर लेगा, वो PSU कन्वर्ट कर लेगा, और जो 300 वाला है बच्चों उससे PSU, ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी कन्वर्ट करने का, और उसके लिए फिर IIT ही जाना पड़ेगा उसको, उसके पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और सब लोग, मैं बता रहा हूँ, जितने लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, उसमें से 95% लोग पब्लिक सेक्टर ही जाना चाहते हैं, कोई IIT से एमटेक करने, एमटेक करने वाले जो दिल से जो एमटेक करने वाले हैं बच्चों, 5% स्टूडेंट होते हैं जो एकदम रियली वो चाहते हैं कि हम एमटेक करें। बाकी लोग का कहीं भी पब्लिक सेक्टर में जॉब लगता है, IIT छोड़ के पब्लिक सेक्टर चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं PSU में जाना तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हो तो पहले से ही आपको रेडी रहना पड़ेगा, और आपको अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम में सॉल्व करना तो आपको भी रेडी रहना पड़ेगा। अभी गेट के एग्जाम में थोड़ा टाइम है, अभी तो गेट का डेट भी अनाउंस हो गया, आपको पता हो गया होगा कि गेट में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। अब थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट गेट का पेपर दे सकते हैं, और 2 नए ब्रांच को ऐड कर दिया गया है, और डेट भी आ गया है। तो आप लोग अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए सीरियस होकर। ठीक है, और क्योंकि अगर आप लापरवाही करोगे तो आपका एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि मार्क्स अच्छे ना आए, रैंक्स अच्छा ना आए। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो ये फेसबुक पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। और अगर इस फेसबुक पेज को आप फॉलो करें तो डेली 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं बच्चों, तो ये इंस्टाग्राम पे पेज है, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दोनों जगह सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है, तो आपको 1-2 क्वेश्चन डेली मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और क्वेश्चन को देखना नहीं है, लाइक केवल नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके बताना भी, ये बात ध्यान रखेंगे। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, आप परफेक्ट, मतलब आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। गेट अब इजी नहीं रहेगा, पहले आसान था, अब चीज़ें आसान नहीं रही, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास है ही नहीं है। ठीक है, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। और बाकी सब चीज़ों के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जो PDF अगर डाउनलोड करना है, या फिर कोई भी वीडियो का लिंक यहीं पर शेयर किया जाता है।